गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी बेसिकली कि जो हमारे बोहर मॉडल था उसके पोस्टुलेट्स क्या हैं। आज हम बात करेंगे उसकी यूजफुलनेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि एक्चुअली में जो हमने बोहर मॉडल ऑफ एटम करा उसका यूजफुलनेस क्या हुई है हमारे पास, कि क्या ऐसा अलग दिया था उसने रदरफोर्ड एटम से जो कि हमारे लिए काफी बेनिफिशियल रहा है ना, बोहर मॉडल के लिए क्या ऐसा अलग था। तो स्टार्टिंग जो फर्स्ट यूजफुलनेस है उसकी क्या है हमारे पास, कि उसने बताया था स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में ना, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में। तो रदरफोर्ड मॉडल ने ऐसी कोई बात नहीं कही। रदरफोर्ड मॉडल ने जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था उसकी एनर्जी की, उसकी स्टेबिलिटी की कोई भी बात नहीं करी थी। बट बोर मॉडल ने कहा था कि हाँ जिस सर्कुलर पाथ में वो रोटेट कर रहा है वो डेफिनेटली फिक्स एनर्जी का होगा, है ना। हमने कल बात की कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जब रोटेट कर रहा है तो इस ऑर्बिट में इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है यहाँ पे फिक्स एनर्जी का है, फिक्स या मैं बोल सकता हूँ डेफिनेट एनर्जी, डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी की फिक्स वैल्यू है यहाँ पे, डेफिनेट वैल्यू है, पता लगती है कि हाँ ऐसा है। बट बात करूं कि ऐसा ऐसी जो चीज जो है वो उसने नहीं बोली थी, रदरफोर्ड ने। उन्होंने बोला था कि सिंपली रोटेशन शो करता है इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। सो फिर इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है बेसिकली, वहां पे क्या होता है, फिर इसकी एक थ्योरी क्या कहती है कि जब भी दो अपोजिट चार्जेस है ना, दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के अराउंड, मतलब एक एक अपोजिट चार्ज जो है दूसरे अपोजिट चार्ज के अराउंड जो है रोटेट कर रहा होगा, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के अराउंड, दोनों अपोजिट चार्जेस है, तब क्या होगा धीरे धीरे इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो रिलीज होती जाती है और फर्दर ये किसकी तरफ मूव करने लग जाता है ना, जो कि रदरफोर्ड ने बोला था कि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे पड़ा है या मूव कर रहा है इस तरह से, तो धीरे धीरे करके वो एनर्जी लूज करेगा और फाइनली किस में चला जाता है वो ना। ये चीजें आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, न्यूक्लियस में गिर जाता है, वो वही चीज थी। रदरफोर्ड स्टेबिलिटी डिफाइन नहीं कर पा रहा था, बट यहाँ पे स्टेबिलिटी अच्छे से डिफाइन करी क्योंकि उसकी फिक्स वैल्यू एनर्जी की, ना तो वो लूज करेगा एनर्जी ना वो गेन पर करेगा, है ना। जब तक उस शेल में रोटेट कर रहा है, दूसरे शेल में जंप करता है तो डेफिनेटली गेन करके जंप करेगा, और हाई एनर्जी मतलब डी एक्साइटेशन करता है तो डेफिनेटली एनर्जी लूज करेगा, कहने की बात ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट उसने समझाया था बोर्स मॉडल ने। सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या दिया था, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं जब हमने सीरीज पढ़ी थी डिफरेंट टाइप्स की, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाइस्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफन सीरीज। पांच टाइप सीरीज में हमने क्या देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन किस तरह से हो रही है, वही स्पेक्ट्रम जो था वो लाइन स्पेक्ट्रम था हाइड्रोजन का बेसिकली, जो पहले से हम लोग पढ़ते हो, जिसकी वजह से रिडबर्ग फॉर्मुला भी हमने पढ़ा, जिसकी वजह से न्यूमेरिकल भी काफी आते हैं। सो ये लाइन स्पेक्ट्रा जो है इजिली एक्सप्लेन किया गया था किसके द्वारा, यानी किसने एक्सप्लेन किया था उसको, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ना कि रदरफोर्ड एटम ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला कि कैसे स्पेक्ट्रम बनता है, क्या बनता है, कुछ लेना देना नहीं उसका, बट यहाँ पे एक्चुअली में बनता है ना, हमने देखा था डेफिनेटली, ठीक है। ये था बेसिकली यूजफुलनेस से उसकी, ठीक है। अगर मैं इसके अब लिमिटेशन की बात करूं, बेसिकली इसमें जो लिमिटेशन है, पहली लिमिटेशन है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा, द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स है उनका जो स्पेक्ट्रा है वो ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, कहने की बात है ना, कि जैसे इसने सिर्फ एक्सप्लेन किया था लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम जो कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से बना होता है, या हाइड्रोजन लाइक एटम, हमने बात की थी ना, हाइड्रोजन एटम क्या था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो एक प्रोटोन, हाइड्रोजन लाइक मतलब एच ई पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन एक दो प्रोटोन, एल आई टू पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन दो प्रोटोन, इसी तरह बेरिलियम थ्री पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन सॉरी चार प्रोटॉन यहाँ पे थ्री मिलेगा। तो ये थे हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स, और ये तो हाइड्रोजन ऊपर वाला खुद है ही ना, ये तो हाइड्रोजन है ही। सो इन चारों की जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम जो है सिर्फ रदरफोर्ड मॉडल ने सॉरी बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन कर पाया था, बट जब मल्टी इलेक्ट्रॉन के बाद सिस्टम क्या था, बेरिलियम के जब फर्दर प्रोसीड करते हैं, हाइड्रोजन की बात करो, ऑक्सीजन की बात करो, क्लोरीन, जितने भी एलिमेंट बचे हुए हैं पीरियोडिक टेबल में, किसी का भी जो स्पेक्ट्रम है इसने डिस्क्राइब नहीं कर पाया था, है ना। इसलिए मॉडल की लिमिटेशन काफी मतलब ज्यादा सीरियस लिमिटेशन थे। ऐसा नहीं है कि बोहर मॉडल खराब था,
खराब वाली बात नहीं, इसने जितनी एक्सप्लेनेशन दी उतनी अच्छी थी, बट उस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे ही जो हमने इनका स्पेक्ट्रम ढूंढने की कोशिश करी वो हमें नहीं फाइंड आउट हुआ, कहने की बात ही। दूसरा इसमें बोलूं कि ये तो ठीक है, हर्जन का इसने क्या शो किया था, लाइन स्पेक्ट्रम इसने बताया था, बट एक वो टाइप का स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम बोलते हैं फाइन बोल लो या फाइन लाइन स्पेक्ट्रम बोल लो, एक ही बात, फाइन स्पेक्ट्रम या फाइन लाइन स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होता है, इसमें जो है हमने देखो एक चीज देखी थी कि हाइड्रोजन नेगेटिव में क्या होता है कि मान लो जब एक रे पड़ती है इसमें टूटेगी, विब्गियो टाइप में टूटती थी है ना, सेवन कलर्स में है ना, विब्गियो इस तरह से हमने देखा था कि यहाँ सेवन कलर्स में स्प्लिट होती है वो चीज, तभी हम बोलते हैं कि एनर्जी लेवल जो सेवन N1 से N7 की बात करते थे ना, हर एक एनर्जी लेवल के लिए हर एक टाइप की वेवलेंथ कोरस्पोंड करेगा। कि मान लो अगर मान लो फर्स्ट एनर्जी लेवल से अगर वो इलेक्ट्रॉन जंप करता सेकंड पे, सेकंड से वापस फर्स्ट पे आ रहा है, डी एक्साइटेशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वहां से उसकी वेवलेंथ मान लो रेड कलर से कोरस्पोंड करती हो तो वो कंपाउंड का कलर रेड शो होगा। इस तरह से जब भी एनर्जी डी एक्साइटेशन के बाद जब एनर्जी निकलती है किसी चीज से, जिस भी वेवलेंथ के कोरस्पोंड, जिस भी कलर के वेवलेंथ के कोरस्पोंड वो एनर्जी दे रहा होगा, उसी वही कलर जो है उसी कंपाउंड में शो होने वाला है, एक बात ठीक है ये। बट इसके फर्दर भी स्प्लिटिंग होती है जो कि एक्सप्लेन नहीं कर रहा था किसने, बोर मॉडल ऑफ एटम ने। जैसे मैं बात करूं कि शेल्स की तक बात करी हमने, सब शेल्स की बात नहीं करी थी, मतलब फर्दर स्प्लिटिंग जो है वो पॉसिबल है या नहीं इसकी बात ही नहीं करी थी किसने, बोर मॉडल ऑफ एटम ने। सो फर्दर इसके बोल सकते कि फर्दर क्या बोल सकते, सिंपली फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ शेल्स, उसी को बोला गया लाइन फाइन स्पेक्ट्रा या फाइन लाइन स्पेक्ट्रा। जो भी पहले स्पेक्ट्रम बने थे इसके फर्दर भी कोरस्पॉन्ड होगा कि एक एनर्जी लेवल बन रहा है, तो एक फिक्स एनर्जी लेवल की रेडिएशन अगर मान लो छोड़ूंगा, मतलब ग्रीन कलर की छोड़नी हो सिर्फ और सिर्फ, तो उसी को कोरस्पॉन्ड करनी चाहिए थी वहां पे एक लाइन, वैसा कुछ नहीं होता है ना। सिर्फ इसका मतलब क्या कि फाइन लाइन स्पेक्ट्रम ये शो नहीं कर पा रहा, बेसिक जो है इसका सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है हाइड्रोजन के लिए, तो ये भी काफी बड़ी लिमिटेशन इसकी रही है। दूसरा मैं बोलूं कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द एक्सप्लेन जीमेन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। आप लोगों ने इसके बारे में फिजिक्स में जरूर पढ़ा होगा कि जीमेन इफेक्ट क्या होता है, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। बेसिकली उसने ये भी एक्सप्लेन किया, इसका मतलब क्या है, जीमन इफेक्ट क्या होगा। सबसे पहले जीमन इफेक्ट में क्या है, जीमन इफेक्ट मतलब ये देखो दोनों टाइप के इफेक्ट का मतलब क्या है, वही दोनों टाइप इफेक्ट का मतलब ये है कि फाइन लाइन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, मतलब क्या, एक जो रेडिएशन पार्टिकल छोड़ रहा था वो एटम वो फर्दर डिवाइड हो जाएगी किसमें, जब है ना फर्दर डिवाइड हो जाएगी काफी सारे लाइन्स में, किसकी प्रेजेंस में, या तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में होगा या वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होगा, है ना, कोई ना कोई आप एक्सटर्नल फोर्स दोगे उसको तभी स्प्लिट हो पाएगा फर्दर किसी दूसरी लाइन्स में, है ना। जैसे मैं बात करूं कि मान लो यहाँ पे इस तरह से हमने दो मैग्नेट रख दिए, एक नॉर्थ पोल मेरा, दूसरा साउथ पोल, एक टाइप की रेडिएशन आ रही थी, अभी एक टाइप की रेडिएशन यहां तक एक टाइप की रेडिएशन थी, बट जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुई वो, जैसे ही एंटर हुई तो क्या होगा, फर्दर वो स्प्लिट होना स्टार्ट कर देगी इस तरह से, कहने की बात। तो ये स्प्लिटिंग हो रही है किसके प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ पे लगा रखा है, कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की जब बात करें तो वो कौन सा इफेक्ट होता है, जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट। मतलब स्टार्क मतलब होता है ना, स्टार्क आप रिलेट कर सकते हो स्पार्क से, स्पार्क कब लगता है, जब करंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो मतलब क्या, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट की, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मेशन से बोल सकते हो कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो है इसकी स्प्लिटिंग शो होगी, सेम स्प्लिटिंग जैसे यहाँ पे हो रही है, एंटर करते ही उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से स्प्लिटिंग शो करने लगेगा। सो ये स्प्लिटिंग होगी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, उसको क्या बोलेंगे, इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, स्प्लिटिंग को क्या बोलेंगे, द स्प्लिटिंग ऑफ अ रेडिएशन इनटू इट्स इनटू फर्दर रेडिएशंस, क्या बोलेंगे, फर्दर रेडिएशंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसको क्या बोल देगा, सिंपली स्टार्क इफेक्ट उसको नाम दे दिया जाएगा। तो स्टार्क इफेक्ट क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ
वेव स्प्लिटिंग ऑफ क्या रे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज ज़ीमन इफेक्ट. तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. आगे आप फर्दर पॉइंट देखते हैं. अगला जो थर्ड पॉइंट है बेसिकली हमारे पास क्या है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द उसने स्फेरिकल की बात नहीं करी, मतलब यहाँ पे टू डायमेंशनल की बात बिहेवियर की बात करी उसने आप. बट एक्चुअली हमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो थ्री डायमेंशनल ही होता है और इलेक्ट्रॉन है थ्री डायमेंशनली न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करता है हमारे पास. सो बेसिक बात कहने का मतलब ये कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द 3D मॉडल ऑफ एटम. ठीक है, अगला पॉइंट की बात करता हूं कि और क्या एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसने. बेसिकली इट डज नॉट एक्सप्लेन द ड्यूल नेचर ऑफ एक्सप्लेन द ड्यूल नेचर. मतलब इसने सिर्फ और सिर्फ देखो यहाँ पे ड्यूल नेचर मतलब क्या है कि एक जो कोई भी सब्सटेंस है वो क्या शो करता है, मतलब वेव नेचर भी शो करता है हमारे पास ना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो निकलती है वो वेव नेचर की भी शो करती है, दूसरा पार्टिकल नेचर भी शो करती है हमको पता है ना. ये जो ड्यूल नेचर ऑफ डी ब्रोगली ड्यूल जो वेवलेंथ है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले डी ब्रोगली हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसके बाद पढ़ेंगे. सो उसी के बेसिस पे जो है डी ब्रोगली उसने बोला था कि ड्यूल नेचर होता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल नेचर भी शो करती है. बट हमने जो पढ़ा यहाँ पे क्या पढ़ा, बोहर मॉडल ने सिर्फ और सिर्फ कंसीडर किया यहाँ पे पार्टिकल नेचर. हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्टली जंप करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो नहीं करता, वो जंप करेगा, ऐसे फ्लो करके नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाता बिल्कुल भी. इलेक्ट्रॉन कैन नॉट फ्लो व्हेन गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, बट यहाँ पे जंप करता है डायरेक्टली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, इस तरह से जंप करेगा बस, फ्लो नहीं करने वाला. सो वो डिफाइन कर रहा था सिर्फ और सिर्फ उसके पार्टिकल नेचर को, वेव नेचर को उसने डिफाइन ही नहीं किया. सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ड्यूल नेचर को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. लास्ट पॉइंट इसका है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन दैट व्हाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. व्हाई बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द एटम्स टेक्स प्लेस, कि क्यों एटम्स जो है आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, उसका रीजन नहीं दे पाया था. कि बेसिकली स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाया था कि एक्चुअली में हाँ एटम अगर कोई कंपाउंड फॉर्म कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई स्टेबिलिटी का रीजन होगा, बट ऐसा कुछ उसने डिफाइन ही नहीं किया. सो इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई बॉन्ड क्यों बनते हैं, या सिंपली हो सकता है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द जो भी एटम या कंपाउंड बन रहा होगा उनकी शेप डिफाइन नहीं कर पाया था. ये चीज है ना, उसकी शेप किस तरह की बनेगी, मतलब काफी टाइप की शेप्स होती है, टेट्रागनल होता है ना, वो हम पढ़ेंगे, सॉरी टेट्राहेड्रल वो हम पढ़ेंगे, स्क्वायर प्लेन क्या होता है ना, वो अगले चैप्टर्स में आएगा. सो बेसिक बात क्या कि वो भी इसकी शेप डिफाइन नहीं कर पाया था कि मॉलिक्यूल्स अगर 3D में सराउंड कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना, मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है तो किस शेप में वो एग्जिस्ट करता है पूरे 3D स्पेस में, उसी को जनरली शेप का नाम दिया गया ना, शेप्स ऑफ सिंपल लिख सकते हो मॉलिक्यूल. जितने भी मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं उनकी शेप्स को डिफाइन नहीं कर पाया था. तो ये थी कुछ लिमिटेशन किसकी, बोहर मॉडल ऑफ एटम. हमें कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं यहाँ पे. फर्स्ट न्यूमेरिकल में बोला गया कि फाइंड द बोहर्स रेडियस, है ना, इसके बारे में अब तक हमने डिस्कस नहीं करा, सोचा न्यूमेरिकल में बता दूंगा कि बोहर्स रेडियस का मतलब क्या होता है, कि रेडियस ऑफ फर्स्ट एनर्जी लेवल या शेल. मतलब मैं सिंपल बोल सकता हूं कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू फर्स्ट एनर्जी शेल, मतलब पहला जो शेल होगा और न्यूक्लियस होगा उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा या रेडियस होगी उसी को बोलेंगे
बोहर रेडियस। तो हमको पता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि आर एन किसके इक्वल होता है, आर एन होता है ए डॉट एन एन स्क्वायर बाय जेड, ना, जहाँ पे एन ए एन के वैल्यू हमने फिक्स करी थी कि 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रोम की बात करी थी, यानी यहाँ पे एंगस्ट्रोम लिखा था। अगर यहाँ पे 52.9 लिखते हो या पिकोमीटर आता तो वाले एंगस्ट्रोम में निकाल लें तो क्या होगा, सिंपली एन की वैल्यू यहाँ कितनी है, देखो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, मतलब ऑब्वियस सी बात है एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी होने वाली है, 1 हमारे पास। और दूसरा हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं ना, इन हाइड्रोजन एटम लिख लो, इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी, वो भी 1 होने वाली है। सो आंसर क्या आएगा, सिंपली यहाँ भी 1 भरोगे यहाँ भी भरोगे, क्या आएगा 0.529 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1, कितना बच गया, यही तो बच गया सिर्फ खाली 0.529 एंगस्ट्रोम। तो आपसे पूछ ले सीधा डायरेक्टली कि बोर रेडियस की वैल्यू क्या होती है, सीधा क्या बताओगे 0.529 एंगस्ट्रोम आपको, है ना। अगर एमसीक्यू फॉर्म पूछ रखे तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल की वैल्यू याद कर लो, काम आएगी कि बोर रेडियस इज इक्वल टू, मैं सिंपल इसको लिखूंगा आर नोट, बोर रेडियस रिप्रेजेंट करते हैं आर नोट, है ना, क्योंकि इनिशियल लेवल पे हो। सो ये चीज, अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमको दे रखा है, यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालनी है। एक्साइटेशन एनर्जी या फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब क्या, एक्साइट कर रहा होगा ऑब्वियसली बात है, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे एक्साइट कर रहा होगा, मान लो एक्साइटेशन है फर्स्ट, तो यहाँ से एक्साइट कर रहा होगा एन इज इक्वल टू 1 से एन इज इक्वल टू 2 पे, है ना, ये ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसने एक्साइटेशन कर दी। So, उस चीज के लिए एक्साइटेशन हमने एनर्जी निकालनी है। अब हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला, मान लो ई एन मैंने ले लिया -13/12 किलो जूल पर मोल, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास एनर्जी का किलो जूल पर मोल की टर्म्स में। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू ऑब्वियसली वैल्यू 1 है, तो हाइड्रोजन एटम की बात करो जेड की वैल्यू 1, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एन की वैल्यू देखो 1 भी भरने 2 भी भरने, तो डेल्टा आई की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा कैसे निकलता है, E2 - E1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल से, फाइनल क्या है ना, फाइनल में क्या करूंगा, 2 भर दूंगा -1312 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -(-1312) डिवाइड बाय क्या हुआ सिंपली यहाँ पे 1, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग जो आंसर आ जाएगा आपका क्या कितना आने वाला है, इसको कट करोगे 328 ये आया, और ये माइनस में और वो प्लस में आ जाएगा ना, प्लस में 1312, सो 1312 हम करेंगे सिंपली माइनस करेंगे कितना 328, तो आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 4 0 8 12 में से 3 किया ना, तो 984 आपका आंसर आ चुका, 984 किलो जूल पर मोल, किलो जूल की टर्म्स में लिखते हो किलो जूल पर मोल 984 आफ्टर कैलकुलेशन आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो सिंपल डेल्टा ई में कुछ नहीं किया, फाइनल स्टेट की एनर्जी लिखी, माइनस कर दी फर्स्ट स्टेट की एनर्जी, है ना, वो क्या आ गई फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी आ गई। अब सेकंड की बात, तो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आप लोगों को पता हो, अगर आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं, आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, है ना, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल निकालने के लिए उसके जो एनर्जी एटम से निकाल ही दिया, तो एटम से कब निकाल पाओगे, जब फ्रीली होगा, है ना, कि एटम से कोई बाउंडेशन नहीं है उसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है बिल्कुल। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन कभी फ्री होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है आपके पास जब वो इंफिनिटी पे पहुंच जाता है। एनथैल्पी हमने निकालनी है एन इज इक्वल टू 1 से लेकर जब वो पहुंच गया है एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी पे, जब वो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, मतलब एटम के दायरे से, एटम के रेडियस से वो बाहर जा चुका बिल्कुल ही। सो सिंपल आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, क्या होगा डेल्टा ई निकालना पड़ेगा, है ना, ई इन्फिनिटी माइनस ई वन, ये वैल्यू निकालेंगे, ई इन्फिनिटी आपको पता जीरो होती है हमेशा, और ई वन पे हमने वैल्यू निकाल ली थी -13/12 होती है, देख लो, है ना, ई वन की वैल्यू कितनी है -13/12। तो सिंपल वैल्यू क्या आ रही है, देखो इन्फिनिटी कैसे है आपको पता ही है, यहाँ पे अगर वैल्यू भरोगे एन की वैल्यू नीचे इन्फिनिटी भरोगे तो ऊपर कुछ भी है, -13/12 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को कैसे लिख सकते हो,
वन बाय जीरो को तो इन्फिनिटी लिखते हो, प्लस में कितना हो जाएगा 13, 12, ये क्या ऊपर जाएगा तो क्या बना लेगा ओवरऑल, जीरो प्लस में 13, 12। सो कितनी आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी चाहिए हमको इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, मतलब इतनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, प्लस में है तो एनर्जी देनी पड़ेगी किलो जूल पर मोल, मतलब एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालने हैं तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हमको। सो बेसिक इसी टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे, या तो ये फॉर्मूला यूज होगा एनर्जी वाला, या वेलोसिटी का होगा, या रेडियस का यूज होगा। अच्छा ये सारे फॉर्मूला से एक बार ट्राई कर लेना जितने भी बुक में दे रखे हैं। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।